By the way, I'm all ready to promote any of the products, so if is there any company watching it, you guys can contact me through my Insta page and I am ready to promote your products. Thank you. Assalamualaikum. Bhai, aaj time hai grocery karne ka aur grocery karne ke liye hum aaye hain Aziz Mall Panda. To aaj ek jo hai wo पांडा का रिव्यू हो जाए। एक तो स्टेयर्स ऊपर आते ही जो है वो इतनी ख़ानदानी खुशबू आ रही होती है क्योंकि पूरा जो है वो चारों तरफ पूरा फूड कोर्ट है भाई। यहाँ पे जो है वो हर चीज़ का सेक्शन होता है। जद्दा वालों को तो बहुत अच्छी तरीके से पता है, कराची वालों को बता दूँ कि उसको इम्तियाज़ से हरगिज़ 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 कंपेयर मत करना क्योंकि वहाँ चलने की भी जगह नहीं होती है और ये बहुत बड़ी जगह है। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से। पहले तो एक व्यू दे दूँ मैं आपको, ये सिर्फ एक पार्ट है, ठीक है ना। अभी मैं दिखाना शुरू करता हूँ। भाई पहले तक जो है वो ब्लॉग्स बनते थे इधर उधर के, अब जब से फैमिली वापस आई है उसके बाद से जो है वो अब घरदारी वाले ब्लॉग्स बन रहे हैं सारे। चीज़ें सारी हैं पांडा में लेकिन सारी दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन ये है कि मेन मेन चीज़ें जो है वो मैं आपको दिखाता हुआ चलूँगा। स्पेशली जो जो ग्रॉसरी हमें करनी है वो तो लाजमी दिखा दूँगा। यार लोगों को नमक में बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सा आयोडाइज सॉल्ट है और कौन सा नहीं है। ये जो है ये काफ़ी पुराना वो है नमक है, लेकिन मेरे ख्याल में जो ये वाला है ना लाल वाला, ये हम लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी बेहतर होता है। क्या मैं ख़वातीन वाली बातें बता रहा हूँ तुम लोगों को यार। मसाले ले लो, मसाले ले लो। यार मेरा सवाल ये है कि इसको खड़ी मसूर की दाल क्यों कहते हैं? कुछ लोग इसको मलका मसूर कहते हैं, कुछ लोग इसको काली दाल कहते हैं। ये दाल ना होगा इंडिया हो गया, कि तीन नाम हो गया, इंडिया हिंदुस्तान और तीसरा क्या था पता नहीं क्या था, भारत भारत भारत। अभी जो मेरे हाथ में चीज़ है ना वो पहले मैं बिल्कुल नहीं खाता था, लेकिन जब से मेरे मुंह को लगी है ना, जब से बहुत टाइट वाला सीन हो गया है। अब वही है, इसके बगैर सुबह का नाश्ता नामुमकिन। इनको आप जानते हैं है? क्या नाम है आपका? यार मेरा एक सवाल है कि अगर आप बकाले से चीज़ें लेते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रॉसरी करते हो या फिर सुपरमार्केट से ग्रॉसरी करते हो, क्या सुपरमार्केट में आपके ख्याल में आप 100-200 रियाल ज़्यादा देकर आते हो? मतलब जो चीज़ें आपको शायद नहीं भी चाहिए होती वो आपको नज़र आ जाती है और आप ले लेते हो, क्या ऐसा है? अपना जवाब जानने के लिए इंतज़ार कीजिए। बतल वर्सेस क्रिक क्रैक, एनी चांसेस फॉर प्रमोशन, प्लीज़ कॉन्टैक्ट। ये वो जगह है जहाँ मेरा बेटा आके पागल हो जाता है, बैकग्राउंड में उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी। सारी चॉकलेट्स और बिस्किट सेक्शन भरा हुआ है। ना कभी इजिप्शियन समझ आ सके और ना इनके आम, साले सितंबर में आके बैठे हैं और अभी तक इनके आम आ रहे हैं। भाई ग्रॉसरी करते करते भूख लग गई और मुझे नज़र आ गई मेरी फेवरेट चीज़, यम्मी फूड। हमने लिया है मगलगल और शक्शुगा माँ चुकना और ये रही इसकी रोटी। मैं ज़रा खाना खा लूँ, मिलता है अगले ब्लॉग का। हेलो
अल्लाह हाफिज़ तो मैंने बोल दिया था, लेकिन अगर यमनी खाने के बाद अदनी चाय नहीं पी तो कुछ नहीं किया।